प्लेक्सपो इंडिया के सिल्वर स्पॉन्सर हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लेक्सपो इंडिया में एज ए एग्जीबिटर। आइए बात करते हैं कि प्लेक्सपो इंडिया को इन्होंने क्यों चुना। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कैलाश जी। प्लेक्सपो इंडिया 2024 में बतौर एग्जीबिटर एज ए स्पॉन्सर आपने पार्टिसिपेट क्यों किया, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? एक्चुअली हमारी कंपनी बहुत लंबे टाइम से इंडिया और इंटरनेशनल सभी का एग्जीबिशन में करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हमको ये चांस मिला है कि गुजरात में हमारे होम टाउन में हम स्पॉन्सर बन सकें। तो एज ए मैं GSPMA कमेटी मेंबर्स भी हूँ और मुझे भी वहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला कि आप कर सकते हैं, तो हमने ये चांस लिया है। और उसके बाद में अभी मैं देख रहा हूँ कि डे टू डे जो एक्टिविटी है प्रमोशन से रिलेटेड है या फिर मार्केटिंग के रिलेटेड है, तो उसमें हमारा जो लोगो ब्रांडिंग हो रहा है हमको अच्छा एक स्पेस मिल रहा है। और मेनली कि हम गुजरात में बहुत और गुजरात और इंडिया के बहुत ही अच्छे बिगेस्ट मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम उस स्पेस से वाइडली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स का, हमारे विजिटर्स को हम प्रमोट कर सकते हैं, हमारे नए नए टेक्नोलॉजी हम तो वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, तो उस वजह से हमको एक अच्छा बेनिफिट होने जा रहा है। आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से काम कर रहे हैं? अच्छा, हमारी कंपनी हम वर्टिकल प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बना रहे हैं। वी आर द नंबर वन इन इंडिया और हम मोर देन 35 कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया में भी हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारी मशीनरी मेनली मेडिकल पार्ट्स, इंजीनियरिंग पार्ट्स, टेक्सटाइल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स और सभी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को हम मशीन सप्लाई कर रहे हैं। साथ साथ में हम मशीन के साथ में मोल्ड्स भी सप्लाई कर रहे हैं और हम टन की सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि जितने भी हमारे कस्टमर को अंडर वन रूफ सॉल्यूशन मिल सके। प्लेक्सपो इंडिया के जो विजिटर्स हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? एक्चुअली जो विजिटर्स आते हैं ना, मोस्टली सभी एग्जीबिशन में ट्रैवलिंग विजिट करते हैं, वो उनका एक ही इंटेंस होता है कि अगर हम नए एग्जीबिशन में जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको नया टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ हमारा कोई भी लंबे टाइम से जिससे हमने कोऑर्डिनेट नहीं किया है, जिससे बातचीत नहीं चालू है, वो फिर से हम उससे बात कर सकते हैं और एक नया हम डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।